बाजी उसको तो लेटे रहना है चाहे जितना बड़ा बना दो। ओ वाओ तो पिलो भी है इसके साथ, कितने क्यूट है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हॉल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैंने अपने बेबी के लिए फर्स्ट टाइम कुछ परचेज किया है, बहुत सारे कपड़े वगैरह जो जो जरूरत लगने वाली है। तो आज का ब्लॉग बस बेबी के क्लोथिंग हॉल के ऊपर होने वाला है। तो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि क्या क्या मैंने परचेज किया है। तो बहुत सारी है चीजें, एक एक करके मैं सारी शो करूंगी जितना हम लोगों के दिमाग में आया कि हाँ ये यूजफुल हो सकता है और ये लेना चाहिए ये लेना चाहिए, तो हम लोग उतना परचेज कर लिया। वैसे कुछ चीजें भी रह भी गई हैं क्योंकि जैसे विंटर के टाइम हम लोगों का बेबी होगा अक्टूबर लास्ट में, तो बेबी के लिए तो जाड़ा होने ही लगेगा, हम लोगों के लिए तो बस नॉर्मल मौसम रहेगा। तो इसीलिए अभी कुछ चीजें रह भी गई है, एक दो चीजें बाकी तो हमने परचेज कर लिया है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये लिया है, ये वुलन का है, थोड़ा सा मोटा है और यहाँ से ऐसे ओपन हो जाएगा तो इजिली इसका गला भी पहना सकते हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लग रहे थे, मतलब समझ नहीं आ रहा था मैं क्या लूँ और शायद आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सके ये वीडियो। और एक ये है, इसमें छोटी सी पैंट है एंड और अभी पता नहीं ना कि बेबी गर्ल कि बेबी बॉय है, तो ये एक मैंने फ्रॉक टाइप भी ले लिया है और इसके साथ ही एक पैंट गिवन है, काफी क्यूट लग रही थी वहां पे। आप लोगों को कैमरे में पता नहीं कैसा दिख रहा होगा बट रियल में बहुत ज्यादा क्यूट लग रही है, छोटी छोटी एलिफेंट टाइप कुछ बने हुए हैं। चलो नेक्स्ट दिखाते हैं, तो बहुत है ना। और छोटे छोटे से ये ले लिया मैंने, इसमें लिखा हुआ है ना 3 मंथ तक बेबी को पहना सकते हैं और ये सामने से फ्रंट से ओपन हो जाएगा तो इजीली पहना भी सकते हैं। बट यहाँ पे आई लव डैड लिखा हुआ, दिस इज नॉट फेयर। मैं उसको रखू ना, मैंने आई लव मॉम लिखना चाहिए था ना। चलो कोई बात नहीं। तो और इसी टाइप से मैंने कई सारे लिए हुए हैं, इसमें पैंट्स है और ये भी है, इसे फ्रंट से ओपन नहीं है बस डायरेक्टली ऐसे गले से पहनाना होगा बट यहाँ पे एक बटन गिवन है। और ये है विंटर का ही मैंने ज्यादा कलेक्शन लिया हुआ है और भी बहुत सारे हैं विंटर के भी है, समर के कुछ ही लिया क्योंकि अक्टूबर में होगा तो फिर उसके बाद तो विंटर ही आ जाना ना भयंकर वाला, तो इसी वजह से सब मोटे मोटे ही सारे हैं। और जैसे कि पहले नीचे ये पहना देना है फिर उसके बाद ये पहना देना तो सही रहेगा, इसीलिए काफी सारे मैंने ले लिया है। और इसी में का ये भी है और पिंक कलर का और एक येलो कलर का, सारे फ्रंट से ही ओपन हो जाएंगे तो आराम से खोल के पहना सकते हैं। और ये पूरा एक है जैसे कि बेबी का, इसमें सब कुछ है, बेबी का टॉप मींस ऊपर का है और दो पैंट्स हैं और एप्रिन टाइप जो क्या बोलते हैं इसको गले में, और सॉक्स वगैरह कैप वगैरह सब कुछ है इसमें। तो इसी तरीके से मैंने दो लिया हुआ, एक ये है और एक ये है एंड एक ये, 3 है। अच्छा मैं खुद ही भूल गई, अभी सब न्यू है ना तो ओपन तो कुछ किया नहीं है, याद भी नहीं है क्या क्या है। ये है अच्छा, हाँ ये कैप है बट कैप ये थोड़ा सा हल्की है ना, इससे जाड़ा तो नहीं रुकने वाला है तो हम लोगों को शायद एक और लेना पड़ेगा लाइक मंकी कैप। और ये गले में ऐसे करने के लिए है एंड ये टू पैंट्स है, एक ये है एक ये है और एक ये पूरा सूट है, फ्रंट से ओपन हो जाएगा और इजिली आराम से पहना सकते हैं। और कपड़ा भी काफी सॉफ्ट है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल रफ सा है और उसको रैशेस वगैरह हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो सिमिलरली इसमें भी सारे ऐसे ही हैं कि 1 अपर है, 2 लोअर टाइप है और कैप है और गले में जो है जो भी बोलते हैं मैं भूल जाती हूँ, अभी पता नहीं ना क्या क्या बच्चों का कपड़ों को क्या बोलते हैं, अब सीख जाऊंगी धीरे धीरे। और सिमिलरली इसमें भी है, ये ऐसा कुछ है कपड़ा, ऊनी बोलते हैं ना इसको, वुलन टाइप ना, तो ये ऐसे ही वाला है, मेरे हस्बैंड को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था तो मैंने सोचा चलो ले लेते हैं। और बहुत ज्यादा यूज भी होने वाला है क्योंकि ठंड होगी और ठंड में वैसे भी कपड़े सूखेंगे नहीं ना, और बेबी लोग वैसे भी बहुत पर पीपू सब करते रहते हैं ना, तो इसी वजह से ज्यादा ज्यादा ले लिया गया। और ये बहुत सारी पैंट्स लिया है, पैंट्स तो मुझे लग रहा बहुत हो गई, 11 ये थी, 12 13 14 15 15 हाँ शायद 15 है। और एक ये है, सब अलग अलग कलर के डिफरेंट, काफी अच्छे अच्छे कलर्स लग रहे थे और पहनाने के बाद शायद और अच्छे लगेंगे लेकिन साइज का पता नहीं छोटा होगा या बड़ा होगा अभी तो पता नहीं है, कोई बात नहीं बात तक हो जाएगा। और कपड़ा भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, सारे ऐसे ही हैं, देखिए
मैं जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ, कम बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारा है मटेरियल, तो अगर बोलती रहूंगी तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। सारे बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट है। ये देखिए इसमें टू है और एक ये है और इसमें भी दो है, तो बहुत ज्यादा कपड़े हैं, पता नहीं। हाँ मैंने इसलिए सोचा ज्यादा ले लेते पैंट्स वगैरह की, क्योंकि सूट सपोर्ट ही कुछ करा उसने तो सूखेगा नहीं ना, वैसे भी हम लोग घर में धूप नहीं आती है तो टाइम लगने वाला है सूखने के लिए। और ये है जैसे कि फीडिंग क्या है, ऐसे इसको गले में लगा देंगे ताकि वो बर्क करेगा ना, तो जो दूध बच्चे निकालते ना मुंह से तो उसे कपड़े पे नहीं जाएगा। तो ये चार हम लोगों ने ले लिया है, एक दो तीन है, अच्छा और अच्छा दो उसमें साथ में थे ना, तो फाइव हो गए हैं ये। ये वाला कितना क्यूट लग रहा है, लाइक एलिफेंट। और ये है बेबी की नैपी, कुछ रेडीमेड भी लिया है और कुछ हम लोगों ने घर पे भी बनाया हुआ है, क्योंकि डायरेक्टली अगर ये पहनाएंगे तो शायद मे भी रैशेस हो सकते हैं, तो ये हम लोगों को पता नहीं है ना कि क्या होने वाला है फ्यूचर में, इसलिए जैसे ओल्ड क्लोथ कॉटन क्लोथ जैसे नहीं होते हैं तो उनसे कट करके घर पे बना लिया है ऑलरेडी हम लोगों ने, बट ये कुछ मार्केट से भी ले लिया है, तो ये काफी सारी है। और ये रहे बेबी के शूज, शूज तो बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे हैं, कहाँ गए, ये रहे शूज, क्यूट क्यूट से लग रहे हैं। और ये भी है व्हाइट कलर के, ये मिल जाए, ये देखो कितने क्यूट से हैं, और यहाँ पे इसे टाई करने के लिए है, तो बहुत ही ज्यादा से क्यूट क्यूट लग रहा है। तो मटेरियल से समझ नहीं आ रहा कितना लिए, तो जो मिलता गया बस लेते गए। और एक बेबी के पिलो है, यहाँ पे जो सरसों के दाने मस्टर्ड सीड होते हैं ना, तो वो यहाँ पे ताकि जो है उसका सर पीछे से गोल रहेगा एक एंगल में पूरा, मतलब टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, तो ये ऐसे बड़े लोग रिकमेंड करते हैं कि सरसों के पिलो यूज करना चाहिए, मस्टर्ड पिलो वगैरह, चाहे ऑनलाइन मंगा सकते हैं जैसे भी, तो हम लोग मॉल से लाए थे। तो यहाँ पे इतने में ही बस सीड्स है, तो यहाँ पे सर रख जाएगा, उसका सर एक साइड को नहीं ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होगा, तो ये एलिफेंट जैसा है। और ये सॉक्स है, तो इसमें टू टू पेयर्स के हैं ये और ये, तो चार ये हो गए और चार ये हो गए और ऑलरेडी ये है, तो आई थिंक सफिशियंट है। और ये जैसे बेबी को गोदी में लेना है या उसको बेड पे ही लिटाना है, तो एक साइड यहाँ पे पॉलिथीन लगा हुआ है एंड एक साइड ये टॉवल है, तो इजिली ऐसे ले सकते हैं, जैसे अगर उसने सुसु वगैरह कर दिया तो हम लोग नहीं भीगने वाले हैं, बस इतना ही भीगेगा तो बस चेंज कर देंगे इसे। तो इसी तरीके से मैंने ये टॉवल ले लिया है, एक है और दो तीन और ये चार, सब में इसी तरीके से एक साइड पॉलिथीन है एक साइड कपड़ा है। एंड उसके बाद और ये कुछ टॉवल्स है, एक दो तीन, अच्छा ये तीन टॉवल्स है, तो ये फुल साइज है वैसे, ताकि बेबी का जैसे कुछ फेस वगैरह पोंछना है या कुछ भी काम करना हो तो बहुत ज्यादा जरूरत लगने वाली कपड़े की, तो बस ये न्यू ले लिया, क्योंकि ओल्ड जो है तो पुरानी हो गई, शायद इसको कुछ प्रॉब्लम हो सकती, इसलिए सारा मटेरियल इसके लिए न्यू है। एंड और हाँ, अरे एक ड्रेस रह गया था, ओ लाइक सेंटा क्लॉस, ये भी ये देखो, ये एक ड्रेस है, बहुत ये तो बहुत बहुत ज्यादा ही सॉफ्ट है, मतलब जैसे ऐसे सो जाओ इसको लेके, बहुत ज्यादा सॉफ्ट। और ये फ्रंट से ओपन हो जाएगा, सारी बटन गिवन है एंड इसके साथ एक ये पैंट भी है लोअर, बस थोड़ा सा डर लग रहा है कि बड़ा ना हो, कोई बात नहीं वैसे भी उसको तो लेटे रहना है, चाहे जितना बड़ा बना दो है ना, चलो। और इसके बाद ये बेबी शीट है, मैंने इसको देखा नहीं है अभी तक बेबी शीट को, अच्छा वाह ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बेबी शीट। हाँ इसमें एक साइड जैसे पॉलीथीन टाइप का है और एक साइड ये कपड़ा टाइप का है, जैसे कि इसमें जो है अलग अलग है ना पूरा, ये पॉलीथीन अलग है एंड ये कपड़ा अलग है, बट इसमें जो है उसी में जुड़ा है, जैसे भी बनाया गया हो आई डोंट नो। तो जैसे कि अगर से बेबी को लिटा देंगे और उसने कुछ भी किया गीला वगैरह, तो बिल्कुल बेडशीट नहीं भीगने वाली है, पूरा ड्राई ही रहेगा। तो ये देखिए, मैं सोच रही एक और ले लेना चाहिए था मुझे, कोई बात नहीं जाते ही रहेंगे अब तो लेने के लिए है ना। और देखते हैं क्या है। और एक ये हम लोगों ने पॉलीथीन टाइप का ले लिया है, बेबी से रिलेटेड ही था, लिखा हुआ था कहाँ गया, इसका रैपर कहीं होगा इसमें लिखा हुआ, तो ये पूरी पॉलीथीन है, बहुत बड़ी, काफी बड़ी सी है, ताकि जो है पूरा डबल बेड पे आ जाएगी। और इसको बिछा देंगे नीचे
चीजें लेंगे। इसको नीचे बिछा देंगे पूरे पे और इसके बाद बेडशीट डाल देंगे ताकि अगर बेबी ने मतलब अभी तो चलो वो टर्न नहीं करेगा 3-4 महीने तक, बट इसके बाद आफ्टर दैट जैसे वो टर्न करने लगा तो वो अपनी जैसे इस पॉलीथीन से जैसे कहीं टर्न हो गया तो ऐसा नहीं है कि आपकी बेडशीट भीग जाएगी। तो मैंने इसलिए सोचा ये तो बहुत ज्यादा यूजफुल, सबसे ज्यादा यूजफुल तो यही है, तो बस ये भी ले लिया। काफी बड़ी चीज है वैसे, बहुत बड़ी है, तो बस इसको भी सारे कपड़े वैसे मुझे वॉश करने हैं क्योंकि एक स्मेल टाइप की आती है ना, कुछ न्यू कपड़े परचेज करो और वैसे भी डस्ट वगैरह हो, डर्ट वगैरह कुछ भी हो ना तो बेबी को नहीं होना चाहिए। हाँ सारे में वॉश कर दूँ। और एक ये है नेट, इधर से ओपन होगा, ये है। ओ वाओ, तो पिलो भी है इसके साथ, कितने क्यूट है। तो ये देखो, वाओ अच्छा है। इसमें बेबी को बस यहाँ से अच्छा यहाँ पे एक रबर टाइप का गिवन है, ये तो ऐसे ये ओपन हो जाएगा और बस बेबी को यहाँ पे लिटा देना है और उसके बाद ऐसे 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 ये रहा, बस हो गया। और इसको मच्छर भी बिल्कुल भी नहीं कट करेंगे क्योंकि जैसे बड़ी वाली मच्छरदानी होती है ना तो ऐसा तो है पॉसिबल नहीं कि दिन भर लगा रहेगा, क्योंकि मुझे भी बार बार निकलना होगा मच्छरदानी से बाहर और उसको भी बार बार निकालना होगा या कुछ भी करना होगा ना, तो पॉसिबल नहीं कि पूरा बड़ा बड़ा मच्छरदानी लगा रहे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया चलो अच्छा एक ले ही लेते हैं ऐसा कुछ, तो बस हो गया। ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल है, यहाँ पे ऐसा कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट सा है गद्दे जैसा, एंड उसके बाद बंद हो जाएगा ताकि मच्छर और मक्खी वगैरह है नहीं घर पे, बट फिर भी मॉस्किटोज तो आ ही जाते हैं ना, तो इस वजह से ये ले लिया है। एंड हाँ अभी मुझे ग्लव्स लेने हैं, कैप लेनी है और ब्लैंकेट वगैरह लेना है और डाइपर और सब पॉयल पाउडर बेबी का ये सब तो बहुत सारा रह गया, बट ये मैंने जितने कपड़े खरीदे तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लेती ताकि आप लोगों को भी शो कर दूं कि मैंने बेबी के लिए क्या क्या परचेस किया है और मुझे भी एक याद रहेगा ना, जैसे मैं कभी बहुत दिन बाद वीडियो देखूंगी कि मैंने क्या क्या बेबी के लिए परचेज किया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम बेबी है तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी ज्यादा होती है ना कि क्या क्या परचेज करूँ, इसलिए हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारा सामान खरीद लिया है और फिर देखते रहेंगे जो जरूरत लगती रहेगी तो वो परचेज करते रहेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर हाँ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेंगी क्योंकि अब बेबी आने वाला है तो शायद बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगे और मैं बहुत बिजी भी होने वाली हूँ क्योंकि अभी तो फ्री रहती हूँ तो आराम से वीडियोस बना लेती हूँ, बट अब बस होने ही वाला है समझ लो बेबी, तो बस देखते हैं कि कैसे सब मैनेज करेंगे हम लोग, अच्छे से मैनेज हो ही जाएगा। चलो अब सब मैं रख देती हूँ क्योंकि बहुत सारा हो गया, फैल गया है सारा सामान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।